गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, टुडे वी विल लर्न अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन। हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, ओके। तो व्हाट इज़ द सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल इज़ फॉर्म्ड वेरी स्लोली। सॉइल जो होती है वो बहुत धीरे धीरे बनती है। इट टेक्स सेवरल हंड्रेड ईयर्स टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर टू ऑफ सॉइल। इसको काफ़ी साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल के बनने में। इट इज़ देयरफॉर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर टू प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रिवेंट इट्स इरोजन। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी सॉइल को, सॉइल की प्रोटेक्शन करना और उसको सॉइल इरोजन से बचाना। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड प्रिवेंशन ऑफ इट्स इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल की प्रोटेक्शन और सॉइल इरोजन से प्रिवेंशन मीन्स उसको प्रिवेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। उसे हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। लेट अस रीड, द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड प्रिवेंशन ऑफ इट्स इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। ओके, सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय फॉलोइंग मेथड। सॉइल को इन मेथड्स के द्वारा कंजर्व किया जा सकता है। फर्स्ट इज हैविंग एन एडिक्वेट सॉइल कवर। सॉइल रिमेन्स बैरन इन बिटवीन द क्रॉपिंग सीजन। मिट्टी अगर बैरन हो, बैरन मीन्स होती है बंजर, जिस पे कुछ भी नहीं उगता है, ओके, तो उस पे क्या करते हैं हम लोग, सीजन्स के अकॉर्डिंग क्रॉपिंग करते हैं, मतलब सीजन के बीच में ही क्रॉपिंग करते हैं। बेयर सॉइल इज़ ईजली इरोडेड बाय विंड एंड वाटर। जो बेयर सॉइल होती है, बंजर ज़मीन होती है, वो विंड और वाटर के ज़रिए आसानी से इरोज हो जाती है, मतलब एक जगह से सॉइल दूसरी जगह उड़ के चली जाती है, मीन्स ख़राब हो जाती है। सॉइल शुड बी कवर्ड विथ ग्रास और अदर ड्राई वेजिटेशन टू प्रिवेंट इट इरोजन। अगर हमें सॉइल को बचाना है ख़राब होने से, तो हमें या तो उस पर घास उगानी चाहिए या फिर कोई भी ड्राई वेजिटेशन उस पर उगानी चाहिए, ताकि वो सॉइल इरोजन से बच सके, मिट्टी ख़राब होने से बच सके। फर्स्ट इज़ एफॉरेस्टेशन, सेकेंड इज़ एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? एफॉरेस्टेशन और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल कंजर्वेशन मेथड। एफॉरेस्टेशन मीन्स होता है अधिक प्लांट को लगाना, या फिर जंगल, जो जंगल में पेड़ लगे होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेथड के लिए, ओके। तो अधिक से अधिक पेड़ को लगाना भी हमारा सॉइल कंजर्व करता है, ओके, सॉइल को बचाता है। द ट्रीज ऑफ और प्लांट्स ग्रोन विल होल्ड द सॉइल टुगेदर। जहाँ पर हम लोग ट्रीज़ या पेड़ लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो पौधा या पेड़ होता है वहाँ की मिट्टी को पकड़ लेता है अच्छे से, इसलिए सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। एंड प्रिवेंशन इट्स इरोजन बाय विंड एंड वाटर। तो इस तरह से जो मिट्टी होती है वो सॉइल इरोजन से बच जाती है, चाहे वो विंड के द्वारा हो चाहे वो वाटर के द्वारा हो। थर्ड इज़ ब्रेकिंग द विंड। हेजेस और ट्रीज शुड बी ग्रोन अलोंग द एज ऑफ फॉर्म्स टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मीन्स जो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, शुड बी अधिकतर उगाने चाहिए, जिससे क्या होता है कि फॉर्म्स, इनकी जो फॉर्म्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड और प्रिवेंशन, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो सॉइल इरोजन से, इसकी वजह से वो बच जाते हैं, उनकी जो मिट्टी होती है वो बच जाते हैं, उन पे जो बहुत अधिक तेज़ हवा होती है उन पे असर नहीं करती। अगर बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो सॉइल तक विंड का कोई असर नहीं पड़ता है। फोर्थ नंबर, चेकिंग ओवर ग्रेजिंग। एनिमल्स लाइक गोट एंड शीप फ्रीली मूव इन द फील्ड फॉर ग्रेजिंग एंड दस इंक्रीज सॉइल इरोजन। अधिकतर क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं, गोट्स और सीप्स जो होते हैं, उनको चरने के लिए छोड़ दिया जाता है अधिकतर फील्ड में, तो ये क्या करती है, ये हमारे सॉइल इरोजन को बढ़ाती है। ओवर ग्रेजिंग बाय दीज एनिमल्स शुड बी चेक्ड। ओवर ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा होने से हमें बचाना चाहिए, चेक करना चाहिए कि ओवर ग्रेजिंग नहीं होने दें। नाउ लास्ट नंबर इज़ कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंकमेंट। सॉइल इरोजन कॉस्ड बाई रिवर
flood can be avoided by building strong embankment of rocks and soil on the river banks. These embankment are called bunds and they prevent soil erosion. Soil erosion, जैसे कि rivers के द्वारा जब बाढ़ आती है तो क्या करती है, बिल्डिंग्स जो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो पत्थर होते हैं, अगर बाढ़ आती है तो वो उनको नुकसान पहुंचाती है या कहीं ना कहीं गिरा देती है. ओके, तो इस तरह से रिवर में जब नदी होती है तो नदी के किनारे बैंक्स बनने चाहिए, मीन्स बाढ़ बननी चाहिए. दीज इम्बैंकमेंट आर कॉल्ड बंड्स, यही जो इम्बैंकमेंट हम लोग किनारे जो बाढ़ बनाते हैं रिवर्स के किनारे, दैट इज़ कॉल्ड इम्बैंकमेंट या बंड्स. ठीक है, इनको हम लोग बंड्स बोलते हैं जो कि हमारी सॉइल इरोजन से हमारी प्रिवेंशन करती हैं, मीन्स सुरक्षा करती हैं. ओके, नाउ टुडेज योर होमवर्क इज़ वॉच योर वीडियो एंड रीड द चैप्टर.